क्या चल रहा है? फाइनली देख सकते हो गाइस यार, आप कौन है मेरे साथ में आज? मिस्टर सुधीर कुमार। सुधीर कुमार फ्रॉम बिहार। फ्रॉम बिहार। हाय, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मेट्रो स्टेशन से, और सुधीर है साथ में। आप लोगों को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ आज एक नई डेस्टिनेशन, और लेके चलता हूँ, कुछ नया होने वाला है आज, एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ, आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग बताएंगे ना, अभी थोड़ा सस्पेंस रख लेते हैं इसमें, ठीक है? अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने जाएंगे आज। लेट्स गो, बने रहे ब्लॉग के साथ। ओके, सी यू। Who is World Trade Center? المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is برج خليفة دبي مول. This way. फाइनली कहाँ पे पहुँच गए हम लोग? हम लोग पहुँच गए इक्विटी मेट्रो स्टेशन। लेट्स गो लाला। फाइनली हम लोग आ चुके हैं इक्विटी, जो कि मेट्रो स्टेशन है। हाँ, और हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। अभी तक सस्पेंस ही रहेगा क्या वो? ठीक है, अभी तक सस्पेंस ही होने वाला है। देखो, लेके जाने वाला हूँ आप लोगों को आज एक नई जगह, क्योंकि अधिकतर आप लोगों ने देखा था जो भी ब्लॉग आ रहे थे भरत भाई से ही आ रहे थे। अभी नया डेस्टिनेशन होने वाला है गाइस। यार आप लोगों को बता दूं, अभी मैं हूँ एक मेट्रो स्टेशन पे, और मेट्रो स्टेशन का ये है वॉशरूम। आपको दिखाते हैं कितना साफ सुथरा रहता है। ये जब आप लोग हैंड वॉश करते हैं उसके इंस्ट्रक्शन लिखे पड़े कुछ, कि क्या क्या, क्लीन योर हैंड विद द सोप एंड वाटर, वॉश योर हैंड फॉर दी मोर देन 30 सेकेंड्स। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। और दिखा देता हूँ डिटेल में कैसा लगता है वॉशरूम। और ये हैंड ड्रायर है, टिश्यू भी है और हैंड ड्रायर भी है। कुछ ये साइड से चले, यहाँ से आना अलग, कुछ इस टाइप से दिखता है यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है। आप लोग देख सकते हो कितनी साफ सफाई है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है ये मेट्रो स्टेशन। और दुबई में क्या है कि जो भी मेट्रो स्टेशन है उनका सेम पैटर्न होता है, और बाहर से भी दिखाऊंगा तो सेम ही जैसा डिज़ाइन है। फाइनली मैं हूँ अभी इक्विटी जो मेट्रो स्टेशन है उसके आउटसाइड पे, और जाने वाले एक सीक्रेट सी डेस्टिनेशन पे आज। देखो कहाँ लेके जाते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था यार, जितने भी मेट्रो स्टेशन है ना दुबई के, उसमें लगभग सेम ही पैटर्न होता है आउटसाइड पे। आउटसाइड पे आप लोग देख सकते हो, और जितने भी मेट्रो स्टेशन है सेम ही जैसे डिज़ाइन है।
अभी हम लोग जाने वाले हैं इस गाड़ी से। हाँ भाई आ गया, थैंक यू थैंक यू। प्लीज सर चल 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 जल्दी चलो। फाइनली आ गए हम टैक्सी के अंदर यार। और गाइज यार फाइनली आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये है सूरज। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि आगे की सीट पे बैठा है, और आज की पार्टी का होस्ट यही है यार। गाइज आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर जितने भी हमारे ब्लॉग हैं बर्दुबई से आते हैं, और आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ एक अच्छी सी डेस्टिनेशन पे, और ये काफ़ी हैपनिंग होने वाला है, और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और आप हम भी इंजॉय करेंगे, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे डिटेल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं रास्ते में। अभी हम हैं अलकुज में और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं मिलेंगी आपको, जितने भी हैं वेयर हाउसेज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। गाइज मैं हूँ फाइनली दुबई के लेबर मार्केट पे, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। संडे वाला दिन है काफ़ी क्राउडेड है ना। काफ़ी क्राउडेड है, जाता हूँ इसके अंदर और देखते हैं एक्सप्लोर करने। इंडिया के मेले जैसा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ डिटेल में क्या है इस मार्केट के अंदर में है। यस लेट्स गो गाइस। साथ में सुधीर है साथ में और सूरज है, दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या है यहाँ पे स्पेशल। सूरज कहीं मेले में खो ना जाए। सूरज मेरे भाई किधर है वो? ये है सूरज, नहीं खोएंगे हम लोग। और इस टाइप की दुकानें भी यहाँ पे सिलाई का काम, आपको कुछ ऑल्टर करवाना है कुछ करवाना है तो इस टाइप की दुकानें भी मिल जाएंगी यहाँ पे। काफी अच्छी मार्केट है यार ये। भैया चश्मा कितने का है यार? 20 ग्राम का। काफी सारे ऑप्शन है। मार्केट है यार, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये यहाँ की वेजिटेबल मार्केट है ना, लेट्स गो एक्सप्लोर करते हैं। ये है फ्रूट्स मार्केट। भैया फ्रूट कितने का है? 1 ग्राम का एक प्लेट ना, 1 ग्राम का प्लेट है यार। हेल्दी है ना और सस्ता भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फाइनली मैं हूँ लेबर मार्केट पे, आप लोग देख सकते हो यार जो स्टॉल दिखा रहा हूँ पीछे, ये काफ़ी अच्छा स्टॉल है और जितने भी फ्रूट्स हैं ना 1 ग्राम के हैं यार। ईच प्लेट 1 ग्राम। बहुत सारे चॉइसेस भी हैं फ्रूट्स के, फ्रूट्स के दिखाऊं तो बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। ऑरेंज पपाया
पोमेग्रेनेट भी है। भैया कबाब्स कितने के दिए आपने? ये फाइनल गाइस आप लोग देख सकते हो यार, मैं एक ऐसी शॉप पे हूँ जहाँ पे लाइव कबाब बन रहे हैं। और कबाब कितने का बताया आपने? 150 का। ये चिकन है ना? चिकन टिक्का भाई। चिकन टिक्का काफ़ी अच्छा लग रहा है और भाई साहब भी देखो काफ़ी खुश लग रहे हैं जो बना रहे हैं यहाँ पे। और पूरे डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये लेग पीस है भाई जन, ये देखिए। ये क्या लेग पीस है? लेग पीस है, थ्री धर्म में भाई जन। थ्री धर्म में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो यार क्या क्वांटिटी है, किस क्वांटिटी में बना रखा है ये। और जो इसको बना रहे हैं चारकोल है, ये चारकोल है ना जो यूज कर रहे हो आप? काफ़ी ऑथेंटिक में बन रहा है, आप लोग देख भी सकते हो, काफ़ी अच्छा स्मेल है इसका। और यहाँ पे खाने के लिए जगह भी है। भैया पार्सल भी हो जाता ना? बनाओ सर। गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो, और अभी मैं हूँ अलकुज में जो लेबर मार्केट वहाँ पे, और मैंने ऑर्डर किया है चिकन कबाब्स। और आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड पे कितना शानदार नज़ारा है, और जितने भी कबाब है फ्रेश बन रहे हैं, चारकोल पे बन रहे हैं। गाइस बैक साइड पे दिखा दो यार, थोड़ा डिटेल में दिखा दो सुधीर, यहाँ पे दिखा दो। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, जितने भी कबाब हैं फ्रेश चारकोल में बन रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग लाइव आके खा सकते हो। काफ़ी सस्ता भी है, कितने का बताइए? 1.5 ग्राम का प्लेट, आप लोग देखो एक सीख 1.5 ग्राम की। इंजॉय कर रहे हैं और ट्राई करने वाला हूँ चिकन। काफ़ी ऑसम है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और आप लोग ये दूसरी दुकान है जो कि फैजल है, और यहाँ पे कुछ यूनिक आइटम्स नज़र आ रहे हैं। भैया कितने का है लेग पीस? 3 ग्राम। ये लेग पीस 3 ग्राम का आप लोग देख सकते हैं, चारकोल में बन रहा है। और इसके अलावा आपके हाथ में तो प्रॉन भी दिख रहे हैं। भैया प्रॉन्स कितने का है? 6 ग्राम। प्रॉन्स भी है, और फिश फिश कितने का है? कि 10, 15, 20, 25, 30। फिश प्रॉन्स और चिकन विंग्स। और एक ऐसी शॉप पे लेके आए हैं जहाँ पे ये क्या है कबाब, चपली कबाब 3 ग्राम का है क्या? अच्छा काफ़ी अच्छा लग रहा है यार चपली कबाब। कैसे भाई क्या नाम है दुकान का? नाम नहीं है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कबाब भी हैं और काफ़ी बड़ी लाइन भी लगी है। दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको डिटेल में। ये क्या है? चिकन के कबाब है। बताओ थोड़ा चिकन कितने का है? चिकन 1 ग्राम है। अच्छा मटन 2 ग्राम है, फिश कबाब 2 ग्राम है, चपली कबाब 3 ग्राम है। कितने टाइमिंग क्या है इसका, कितने बजे तक? 4 से 12 बजे तक। 4 बजे से 12 बजे तक? 11 बजे गेट बंद हो जाता है। 11 बजे गेट बंद हो जाता है। और लोकेशन बता दो कहाँ पे? ये अलकुज में माल की बैक साइड, अलखेल जो गेट है, अलकुज है माल की बैक साइड, बैक साइड पे। काफ़ी अच्छी शॉप नज़र आ रही है, ये आप लोग देख सकते हो। काफ़ी अच्छे ऑप्शन भी हैं, जितने भी कबाब हैं ये सब चारकोल में बन रहे हैं और काफ़ी जूसी लग रहे हैं। गाइस यार आप लोगों को बता दूं, अभी जैसे मैंने बताया मैं हूँ लेबर कम्युनिटी मार्केट में, और आपको बैक साइड पे दिखा रहा हूँ कितने डिटेल में ये कितने अच्छे कबाब बन रहे हैं, और कितने सारे लोग बैठे पड़े हैं यार यहाँ पे। और ये क्राउड आप लोग देख सकते हो कितना क्राउड है, ये सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं चपली कबाब को, और इतनी भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया फ्रेश कबाब बना रहे हैं ये भैया है यहाँ पे, और फ्रेश कबाब बना रहे हैं। कबाब दिखाओ। ठीक है, थैंक यू। भैया कितने का फ्रूट ये? कितने का फ्रूट? 1 ग्राम का है। फाइनली गाइज आप लोग देख सकते हो मैं हूँ एक फ्रूट स्टॉल पे, और आप लोग देख सकते हो ये 1 ग्राम का है, ओनली 1 ग्राम का, और काफ़ी सस्ता है डिटेल में। भैया एक मुझे दे दो, क्या फ्रूट्स ये वाला दे दो, 1 ग्राम का ना? 1 ग्राम का है यार, आप लोग देख सकते हो 1 ग्राम का पूरा भर भर के आ रखा है एकदम। सूरज आजा थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। और भैया फ्रूट्स क्या क्या रेट है?
आपका ऑरेंज क्या है, केला क्या है, बनाना? पाँच ग्राम क्या, के जी? अच्छा, एक के जी में कितना आता है लगभग? ये दो भाई लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं अभी हमें। देखो अभी हमारा ग्रुप क्या हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। सूरज है, सूरज के साथ में सुशील, सुधीर, विजय, सूरज के बड़े भाई, तो काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया अभी। और हम लोग इंजॉय करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं मार्केट को। लेट्स गो, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। चलो केएफसी कितने का है? ठीक है, इंद्रम गोलगप्पा, पानीपुरी, मसाला। और यहाँ पे छोटी छोटी ग्रोसरीज भी है। आप लोग देख सकते हो यार, छोटी छोटी। भाई कैसे हो? सब बढ़िया। कैसा चल रहा है लाइफ? सब बढ़िया चल रहा है। अच्छी दुकान है आपकी यार, सारी चीज़ें आपके पास में। सबसे सस्ती कौन सी चीज़ है आपकी दुकान में? दाँत 5 रुपये किलो, काफ़ी सस्ती है यार। बहुत सारे आइटम्स हैं आपके पास में, ग्रोसरी का है मतलब। हाँ ठीक है, थैंक यू। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल आप लोग देख सकते हैं, बनाना। कैसा भाई? ये फ्रेश वेजिटेबल्स हैं सारे, लीव्स। अभी हमें लेबर मार्केट में। और सुधीर, ये सारे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है नॉन वेज की मार्केट। Oh my God. लेबर मार्केट है और इस टाइप की सैलून भी हैं आप लोगों को बाल काटने, तो यहाँ पे मंगा जी सैलून। ये चश्मे की मार्केट है। सारे ग्लासेस 20 दिरहम है ना भैया? 20 है ना। ये ड्राई फ्रूट की शॉप भी है और काफी सारे ऑप्शंस है ड्राई फ्रूट और डेट्स के। ये खजूर क्या क्या रेट है भैया? खजूर बता दो। काफी अच्छे ऑप्शंस हैं आप लोग देख सकते हो यार। सबका नाम क्या है आपका? आप लोग भी आ रहे हो लेबर मार्केट में, तो ये सारी ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं यार। ट्राउजर्स, ये सब कितने का क्या प्राइस है इसका? 20 ग्राम्स, सारे 20 ग्राम्स हैं। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं आपके पास में, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। 20 ग्राम बहुत ही सस्ता प्राइस है आपका। और इसके अलावा हुडीज 35 की है, और ये वाइट वाला सेम प्राइस। हाँ, फैब्रिक भी अच्छा लग रहा है। मेड इन सारे तुर्की से, अमेजिंग यार। 35 ना, डिस्काउंट करके कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। और जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप? यहाँ पे आ जाओ, विजिट दिला देंगे। सदी तुमको लेना तो ले लो, बहुत ही काफ़ी अच्छा प्राइस में। 30 ग्राम का लगा देंगे बोला आपके लिए। ओ माय गॉड, ये टी शर्ट जो अभी नए पैटर्न के टी शर्ट चले हैं आप लोग देख सकते हो। दिखाओ सुधीर, आप लोग देख सकते हो नए पैटर्न का कितने का है ये टी शर्ट? 25 ग्राम में हो जाएगा। और भी आर्टिकल्स दिखा दो वन बाय वन, कौन कौन से हैं। ओ माय गॉड, 25 ग्राम में काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास में। ठीक है क्या जी, यार आप लोग भी आ रहे हो अलखुज में लेबर मार्केट में, तो ये शॉप है।
आप भी आके ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं ट्राउजर के भी। आप लोग देख सकते हो सुधीर ने भी एक ही हुडी पहन रखी है और काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है इसका, मगर अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, माइट भी और भी चेक करेगा कुछ और भी ऑप्शन। आप लोगों को बता दूं अभी हम हैं अलखूज के लेबर कम्युनिटी मार्केट में, और जो अलखेल गेट के पीछे एक कम्युनिटी मार्केट है जो कि म्यूनसिपाल्टी ने वहाँ पे सेटअप कर रखा है इस मार्केट का, और काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं यार गाइज यहाँ पे। आप लोग भी आ रहे हो तो आप लोग भी आओ, आप लोग भी चेक करो, काफ़ी रिजनेबल प्राइस हैं। 30-35 ड्रम में आपको ये हुडीज मिल जाएंगी, 30-35 ड्रम में तो ज़्यादा प्राइस नहीं है। और ये भैया हुआ करते हैं यहाँ पे शॉप में, और आप आ रहे हो तो आप डायरेक्टली आके इनसे डील कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। अभी एक्चुअली क्या हुआ, सुधीर को ही पसंद नहीं आया ये कलर शायद, तो अभी वो चेंज करने के मूड में। इसको देखो अभी कौन सा आता है इसको कलर पसंद, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। वो अभी भी डिसाइड ही कर रहा है, कन्फ्यूज है थोड़ा सा, माइट भी वाइट वाला कलर इसको पसंद आ रहा है, और मैंने भी सजेस्ट किया कि यार ये कलर ले ले क्योंकि ये काफ़ी यूनिक कलर लग रहा है, और ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि जो वाइट कलर है इसमें ब्लैक है, ब्लैक कलर के थोड़ा सा जो डिज़ाइन है शेड्स हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। माइट भी फाइनली ये यही लेने वाला है, मैं भी बोल रहा हूँ यही ले ले सुधीर, ये अच्छा लग रहा है तेरे को, तो उसने ले लिया फाइनली, और अच्छा भी लग रहा है। 30-35 ग्राम में, 30-35 ग्राम में ये हुडीज मिल रही है। और किसी आदमी को गेम्स खेलना है तो गेम्स के लिए भी ऑप्शन है, कैरम बोर्ड भी है, कैरम खेलना है तो। ये ड्राई फ्रूट की मार्केट है, और इस टाइप के सारे ऑप्शन भी हैं यार यहाँ पे। आप लोग आते हो लेबर कम्युनिटी मार्केट में, कुछ इस टाइप की भी शॉप्स होती हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हो लेजर लाइट। ये लेजर लाइट कितने का है? 40 ग्राम का लेजर लाइट है, और ये ईयरबड्स हैं, काफ़ी अच्छी शॉप है यार। शॉप क्या है, एक छोटा सा काउंटर टाइप का है। सुधीर ने फाइनली ले लिया यार, कैसा लग रहा है लेके तेरे को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे शॉपिंग करके कैसा लग रहा है? ना शॉपिंग करके कैसा लग रहा है यहाँ पे? शॉपिंग यहाँ बहुत सस्ता है, तो मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज है, जो मतलब अलखुज में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, जो दुबई में रह रहे हैं एक बार जरूर आए यहाँ पे, एकदम गांव जैसा फील होगा। मतलब जो भी यहाँ पे रह रहे हो ना दुबई में, तो यार ये लेबर मार्केट है, ये लेबर कम्युनिटी मार्केट है, लेबर कम्युनिटी बंदों को जॉब करने वाले बंदों को यहाँ पे जरूर आने चाहिए। दुबई म्युनिसिपैलिटी की मार्केट है, तो ज्यादा सस्ता भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। आपका डे ऑफ रहता है जिस दिन ना, उस दिन एक दिन टाइम निकाल के आ जाओ। इसका नजदीक मेट्रो स्टेशन कौन सा है? ऑन पैसिव, ऑन पैसिव मेट्रो। आप जैसे बुर्जुमान में आ रहे हो ना, बुर्जुमान से आप लोग ले लो रेड लाइन, एक्सपो वाली लाइन पे, रेड लाइन पे आए, ऑन पैसिव उतरे, वहाँ से बस भी आती है, बस नंबर 21। आप यहाँ पे नजदीक बस स्टॉप पे उतर जाए। यार देखो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ में हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी आ रहे हो दुबई से, तो रेड वाली जो बुर्जुमान से जो रेड लाइन है उसे ले लो, एक्सपो 2020 वाली लाइन है। तो ऑन पैसिव करके एक मेट्रो स्टेशन आता है, बिजनेस बे के बाद में एक मेट्रो स्टेशन आता है, तो आप लोग यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना टाइम निकाल के आओ। बहुत सारी शॉप्स हैं, आप लोगों को खरीदना कुछ खरीद सकते हो, और नहीं भी खरीदना कोई बात नहीं, मगर एक बार आके एक्सप्लोर करो इसे। प्लीज़ आप लोग देख सकते हो फाइनली मैं हूँ एक शॉप पे, ऐसी शॉप पे जहाँ पे ब्लैंकेट्स भी मिलते हैं। आप लोगों को मालूम है जनवरी का मंथ है और आजकल बहुत ठंडी है दुबई में, ठीक है, आपको कंबल तो चाहिए। आपको कहीं नहीं जाना है, अलखूज में जो अलखेल गेट के पीछे, जो लेबर कम्युनिटी मार्केट है वहाँ पे आके आप लोग ये सारी शॉपिंग कर सकते हो। और ये कंबल कितने का है? ये कंबल अखेर 80 रुपए की देता है, ये 100 ग्राम का बोला, 80 ग्राम, 80 ग्राम का मिल जाएगा, ये 90 रुपए में देता है, ये 90 ग्राम में देता है। उस तरफ है, तुम इस तरफ आ जाओ, आ जाओ भाई, इस तरफ दिखा दो, आ जाओ ना जल्दी, आ जाओ दिखा दो। एक 110 ग्राम का काफी मोटा कंबल है, आप लोग देख सकते हो। ये डबल उसका है ना, डबल, ये भी 110 वाला है, ये 110 वाला है, ये भी 110 वाला है, ये भी 110 वाला है, ये 70 ग्राम। तो यार मैं बोलूंगा अभी जनवरी का मंथ है, जल्दी जल्दी आ जाओ जिस जिसको कंबल खरीदना है यहाँ पे।
जरूर ही नहीं है भाई ना करया करो यार आप लोग देख सकते हो यार हमारे इंडिया में भी हम लोग छोटे छोटे शहरों में जाते हैं ना उस टाइप की रेडीज लगी रहती है उसमें सारे जो डेली यूज के जो आइटम्स रहते हैं ना सारे रहते हैं और इसी टाइप का ये दुकान है जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पे कोलगेट है साबुन है उसके अलावा मोप हो गया वीट हो गया और ये रेजर मैं आपको दिखा रहा हूँ यार ये काफ़ी एंटिक रेजर है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है ये काफ़ी पुराना भी है इस टाइप के डिज़ाइन चला करते थे आज से 20 साल पहले 15-20 साल पहले तो एक और शॉप पे आ गया हूँ जहाँ पे काफ़ी अच्छी जैकेट्स भी ये डिस्प्ले में लगी हुई है एक सेट है भैया कितने का जैकेट का सेट ये सेट क्या है 65 ग्राम का लास्ट कितना प्राइस हो जाएगा इसका 50 दिराम हो जाएगा इसका प्राइस तो आप लोगों को बताऊं आप लोग यहां पे आ रहे हो तो आप लोग बार्गेनिंग भी कर सकते हो नीचे ऊपर हल्का फुल्का प्राइस हो भी सकता है ठीक है। एक और शॉप पे आ गया हूं यहां पे काफ़ी एंटिक चीज़ें नज़र आ रही हैं और काफ़ी परफ्यूम्स हैं परफ्यूम भी हैं और बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ें भी नज़र आ रही हैं यहाँ पर आप लोग भी आ रहे हो यार अलकुस लेबर मार्केट में तो विजिट कर सकते हैं ये शॉप में और यहाँ पे फिश के भी ऑप्शन है प्रॉन्स आप लोग देख सकते हो स्पीड हो गया आ जा भाई कैसे दादा काफी फ्रेश फिश है। मैं एक बंगाली जो फूड का काउंटर है वहाँ पे हूँ बांग्लादेशी ना दादा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंटर नज़र आ रहा है यार बहुत ही सारे ऑप्शन है यहाँ पे बहुत खाना है स्पेशली ये फिश ये सारे ये फिश है ना ये सारे फिश है सारे फिश के आइटम है और काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं। एक आदमी का खाना कितने का है यहाँ पे 6 ग्राम का पेट भर के टंकी फुल क्या क्या मिलेगा दादा उसमें मच्छी मिलेगा वन पीस मच्छी मिलेगा चाटनी मिलेगा दाल मिलेगा पेट भर के राइस खा सकता है 6 ग्राम में खा सकता है आदमी पेट भर के खाना और काफी अच्छा खाना लग रहा है स्पाइसी है दाल है वाह 6 ग्राम में क्या मिलेगा यार काफी सस्ता है थैंक यू भाई कैसा दिखता है दिखाओ दादा उसमें थोड़ा सा धुआं आ रहा है ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना क्या इसके अंदर अंडा डाले ना अंडा इसने वो मांगेगा तो फिर देगा इसके अंदर क्या नाम इसका चितुल पीठा ये बांग्लादेशी खाना है तो चितुल पीठा एकोलेजी के साथ एक कलेजी एक कलेजी के साथ में खाता है इसको काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये चटनी के साथ में कौन कौन सा चटनी है एक हरा चटनी काफ़ी अच्छा लग रहा है भैया और कुछ इस टाइप से शॉप है यार ये और लोग ऐसे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं ठीक आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पे पकौड़ा है चना गरम गरम जलेबी बन रही है भाई साहब जलेबी बना रहे हैं यहाँ पे काफी सुंदर एक भील ऑर्डर किया दिखाओ कैसे बना रहे हो स्पाइसी बना देना भाई एकदम मसाला खट्टा मीठा पूरा है खट्टा मीठा स्पाइसी एकदम बांग्लादेश का भेलपुरी हाँ वेरी गुड थैंक यू भेलपुरी दो
गाइस आप लोग देख सकते हो अभी मैं हूँ अलकुज के लेबर कम्युनिटी मार्केट में और मेरे हाथ पे आप लोग देख सकते हो ये है मोमोज, चिकन मोमोज ट्राई करने वाला हूँ, देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा होता है। एक छोटा सा स्टॉल है, चाउमीन का सेटअप है, उसके बाद में नेपाली रोटी, नूडल्स और मोमोज। ये आपका दांत अच्छा लग रहा दीदी है, मेरे को भी लगाना है सोना अपने दांत में, कहाँ से लगा। थैंक यू। और मेरे सामने एक स्टॉल है जिसमें काफ़ी सारी सब्जियां आपको नज़र आ रही होंगी, इसमें ऑनियन है, टमाटोज है, आलू है और ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और काफ़ी अमेजिंग है यार ये जो मार्केट है ना, ये लेबर कम्युनिटी मार्केट है और काफ़ी इसके सस्ते प्राइजेज होते हैं। और भैया प्याज क्या रेट है यार? 5 दराम। और टमाटर? दो दराम तीन दराम। काफ़ी सस्ता आपका प्राइस है। और आलू? आलू तीन दराम है। और प्याज जो कि नॉर्मल आउटसाइड मार्केट पे 6 दराम के आसपास में, 5 दराम का है। और इसके अलावा अदरक 12 दराम मैंने बताया। पर और जितनी भी वेजिटेबल्स और ये चीज़ें आ रही काफ़ी फ्रेश आ रही है यार, आप लोग भी फ्रेश लग रही है, काफ़ी अच्छा काउंटर लग रहा है। आप लोग भी आ रहे हो यहाँ पे अलकुज के नियर बाई हो तो आप लोग ट्राई करें पक्का, और बहुत सारे ऑप्शन है इसके अलावा यहाँ पर।